हाय गाइस, आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 768 पे स्वागत है। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर को एहसास है कि वो आपसे ही प्यार करते हैं और वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर तीन पाइल बनाई है, पाइल वन, पाइल टू और पाइल थ्री। ये तीनों पाइल के ऊपर मेडिटेट करके आप अपनी पाइल चूज़ कर सकते हो। जिनको पाइल चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है उनको मैं बता दूँ कि तीनों पाइल के पहले देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और अपनी इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिख रही है वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, और ये रीडिंग सभी जेंडर के लिए है, ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं। ओके, तो सभी उसे देख सकते हैं और ये रीडिंग टाइमलेस होती है, तो जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी। ओके गाइस, और मैं आपको बता दूँ कि अब दो तीन दिन में फुल मून आ रहा है, तो उसके लिए मैं रीडिंग करूंगी कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उसको मैं डिटेल में बताऊंगी, तो उस रीडिंग का आप इंतज़ार करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल वन चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर को एहसास है कि वो आपसे प्यार करते हैं। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताइए कि उनके पार्टनर को एहसास है कि वो उनको प्यार करते हैं। पाइल वन जिस किसी ने भी चूज़ की है, आपके पार्टनर को एहसास है कि वो आपसे प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं, फाइव ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप, कप की एनर्जी ज़्यादा है, वाटर साइन और अर्थ एलिमेंट भी है और साइन भी है, टेम्परेंस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ, तो आपके पार्टनर को एहसास है। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि आपके पार्टनर, पहली बात, वो अपने कैरियर में बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं, उनको अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं। इस वजह से वो आपको लेकर तो शायद कुछ भी नहीं सोच रहे, अभी हाल फिलहाल तो आपके बारे में नहीं सोच रहे। शायद आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हो या फिर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा हो, क्योंकि वो अभी अपने कैरियर को लेकर सोचना चाहते हैं, इस वजह से वो आपके साथ भी बात नहीं कर रहे होंगे। फाइव ऑफ कप की एनर्जी बता रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा टेंस है, क्योंकि वो आपको लेकर कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं और वो आप दोनों को रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत ज़्यादा डर है, स्केयर है कि वो किस तरह से आप दोनों को रिश्ते को, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस, तो आप लोग, उनको बहुत ज़्यादा अपने आप में एक डर है कि वो किस तरह से आप दोनों के रिश्ते का डिसीज़न ले पाएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल उनके ये फोर ऑफ पेंटिकल और फाइव ऑफ कप, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि आपके पार्टनर की कैरियर सिचुएशन ठीक नहीं है, इस वजह से वो अभी आपको लेकर भी नहीं सोच रहे हैं। और आपके पार्टनर अभी पेज की एनर्जी में है, पेज की एनर्जी मतलब अभी वो आपके रिश्ते को लेकर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए अभी उन्हें ऐसा लगता है कि मैं नहीं बना पाऊँगा, वो मैच्योर फील नहीं कर पा रहे आप दोनों के रिश्ते को लेकर, वो एक स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं ले पा रहे, पेज की एनर्जी बता रही है, लेकिन वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं और नहीं दे पा रहे। ये देखो, आप कब देख सकते हैं कि फोर ऑफ कप हमारे पास आया है,
जो ये बता रहा है कि उनके पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, अपनी फैमिली की, अपने कैरियर की, अपने दूसरे कुछ और ज़्यादा उन्होंने जो बर्डन लिया है, मतलब ज़्यादा कुछ वर्क किया है, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है आसपास के लोगों की। इस वजह से वो आपके कप का ऑफर ठुकरा रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है ये बंदा। देखो, आप देख सकते हो। तो लास्ट में हमारे पास कार्ड आया है द फूल और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्ट्रेंथ, जो ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर एक रिक्स लेना चाहते हैं, ओके, और आपके पास आना चाहते हैं। लेकिन फूल कैसा होता है इंसान, वो बहुत ज़्यादा एक रिक्स तो लेना चाहता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं दे पा रहा। फूल की एनर्जी यही होती है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं देंगे, स्ट्रॉन्ग फैसला नहीं देंगे, लेकिन आएंगे तो कुछ थोड़ी बहुत बातें करेंगे और फिर से चले जाएंगे, और आप दोनों में ऐसा चलता ही रहता है, ब्लॉक अनब्लॉक, ब्लॉक अनब्लॉक, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक डरे हुए हैं। अपने पास्ट लाइफ में उन्होंने जो अपनी लव लाइफ को लेकर एक स्ट्रगल दिखा है, एक फेज दिखा है, जिसको वो भूल नहीं पाए हैं। शायद उन्होंने किसी को प्यार किया था, बहुत दिल से प्यार किया था, और उन्होंने उनको मना कर दिया और बहुत कुछ सुना दिया कि तुम ये हो, तुम वे हो, सॉरी तुम वो हो, और तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इस तरह से बहुत कुछ सुना दिया, उनको बहुत कुछ सुनना पड़ा, और उनकी फैमिली को भी इस वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा। इस वजह से अभी वो हाल फिलहाल आपको लेकर तो कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। हाँ, वो आपको प्यार करते हैं, लेकिन वो प्यार कब तक रहेगा उसके लिए वो अभी कुछ भी फैसला करने नहीं वाले हैं। और द फूल की एनर्जी भी यही होती है कि ये बंदा नीचे नहीं देख रहा है, कि नीचे रास्ता नहीं है, ऊपर देखकर चल रहा है। मतलब ये होता है कि वो अभी आपको लेकर कोई भी डिसीज़न लेने के लिए तैयार नहीं है। तो चलिए वो मैसेज देख लीजिए, मैसेज देख लेते हैं कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, तो पता चले। यू मेक माई हार्ट स्माइल, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि वो यू मेक माई हार्ट स्माइल, मतलब आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप मुझे दिल से खुश रखते हो। हाउ स्वीट, ओके। आई विल सी यू वेन आई फॉल अस्लीप, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप जब सो रहे हो तो मैं आपको देखना चाहता हूँ, ओके। यू आर एवरीथिंग टू मी, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप मेरे लिए सब कुछ हो। माई हार्ट विल ऑलवेज लव यू, ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ माई लाइफ इज योर रिलेशनशिप, आई विल ऑलवेज लव यू। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप एक खजाने की तरह है और मैं आपको हमेशा प्यार करता रहूँगा। You are my one and only, आप मेरे लिए बहुत ही ख़ास पर्सन हो। I will you come with my love, तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा, my love। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है I love the way you believe in me,
द वे यू मेक मी बिलीव इन माई सेल्फ। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि जब आप मुझ पर विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, तब मैं अपने आप में फुलफिल महसूस करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ और मैं अपने आप के ऊपर विश्वास करने लगता हूँ। ओके, चलो इनिशियल्स देख लेते हैं यहाँ से। ओके, हमारे पास आया है एम 5E0 PV4TIWU। ओके, ये आपके या आपके पार्टनर के इनिशियल्स हो सकते हैं या फिर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के इनिशियल्स हो सकते हैं। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल टू चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर को एहसास है कि वो आपसे प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं पाइल टू, जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन बताइए कि उनको एहसास है कि वो उनसे प्यार करते हैं। पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताइए। हमारे पास पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन, द हेरोफंट। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, द मैजिशियन, द वर्ल्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप। ओके, एक मिनट गाइस। ओके, तो आपके पार्टनर को एहसास है कि वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है गाइस, बहुत ही ज़्यादा। आप देख सकते हो कि यहाँ कप की एनर्जी सिर्फ एक में आई है, वो है मैजिशियन। और मैजिशियन में तो सॉर्ड भी है, कप भी है, पेंटिकल भी है, वांड्स भी है, चारों ही है। आपके पार्टनर चाहे तो आपको मैनिफेस्ट करके अपना बना सकते हैं, आपके पार्टनर चाहे तो कोई भी डिसीज़न आपको लेकर ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं ऐसा। लास्ट कार्ड हमारे पास आया है द वर्ल्ड, जो ये बता रहा है कि वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से वो आपको लेकर कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे। यहाँ देखिए पेज की एनर्जी आई है, पेज ऑफ सॉर्ड्स, जो ये बता रही है कि आपके पार्टनर इमोशंस डिसीजन को लेकर मैच्योर नहीं है। ओके, और इस वजह से वो आपको अपने दिल की बात कभी भी नहीं रख पाते हैं। वो आपके साथ पूरी दुनिया की बात करेंगे, कुछ भी बोल देंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सॉरी गाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस, तो सारी दुनिया की आपके सामने बात रख देंगे, अपने फील्ड की भी सारी बात आपको बता देंगे, लेकिन जब इमोशंस की बात आई तो वो साइड हट जाएंगे। ओके, और उन्हें बस इमोशंस फैसले लेने में ही दिक्कत आती है और उसमें वो फैसला नहीं ले पाते हैं। वो चाहे तो डिसीज़न ले सकते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ही ज़्यादा। उनको इमोशन से कोई भी मतलब नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रूडली उनका नेचर है,
बहुत ही अकड़ू खड़ूस आपको लग सकते हैं वो, और बहुत ही ज़्यादा इगोस्टिक इंसान आपको लग सकते हैं, लेकिन वो इगोस्टिक इंसान नहीं है गाइस। उनके मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, लेकिन वो कभी भी नहीं बताते हैं। आपके प्यार का एहसास जानबूझकर अनदेखा करते हैं, जानबूझकर, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया है कि आपने उनके दिल में एक जगह बना दी है, और अभी वो अपने दिल को रोक रहे हैं आपके सामने आगे आने में। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि ये प्यार वार सब फालतू चीज़ें हैं, फालतू बातें हैं, इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। इस वजह से वो आपसे दूर हट रहे हैं। आपके साथ जब फ्रेंड की तरह बात करते थे तब बहुत ही अच्छे तरह से बात करते थे, लेकिन अब आप जब इमोशंस की बातें करते हो तो वो मैसेज में आप इमोशंस की कोई भी बात करते होंगे तो वो चले जाते होंगे और कोई भी रिप्लाई नहीं करते होंगे, और फ़ोन करते होंगे तो फ़ोन पे आपके साथ फ्रेंड की तरह बातें करते होंगे, लेकिन अभी जब आप उनके साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हो तो आप फ़ोन करते होंगे तो वो फ़ोन नहीं उठाते होंगे, क्योंकि ये सब उनको पसंद नहीं है। बहुत ही ज़्यादा खड़ूस इंसान है, बहुत ही ज़्यादा अकड़ू, मतलब वो किसी की बात नहीं मानते हैं, वो अपनी मर्जी में आए वही काम करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इमोशन जैसा कुछ भी दुनिया में नहीं होता है, सब कुछ पैसे से ही होता है, उनका ऐसा मानना है। इस वजह से वो अपने आप के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर रहे और आपके साथ भी नहीं कर पा रहे जस्टिफाई। और अभी हाल फिलहाल तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने में, अपने ड्रीम पूरे करने में लगे हुए हैं, लेकिन हर रोज़ रात को वो आपको ज़रूर याद करते हैं। उनके दिल में जब एक नाम आता है कि किसके साथ उनको शादी करनी चाहिए, किसके साथ अपनी लाइफ बितानी चाहिए, तो आपका नाम आता है और ये उनका दिल जवाब देता है, लेकिन फिर भी वो उसे अनदेखा कर रहे हैं जानबूझकर। उन्हें भी एहसास हो गया है कुछ कुछ कि वो आपको प्यार करने लगे हैं, लेकिन वो इसमें फंसना नहीं चाहते हैं, वो प्रैक्टिकल ही रहना चाहते हैं, इस वजह से वो आपसे दूर हट रहे हैं। शायद उन्होंने आपको ब्लॉक भी कर दिया होगा और अभी आप नो कॉन्टेक्ट जोन में भी हो सकते हो, ओके? तो चलिए देख लेते हैं उनके मैसेज कि वो आपको मैसेज के थ्रू क्या कहना चाहते हैं। जस्ट वन मिनट गाइस। तो ये कार्ड गिर गया था, आई लव यू मोर देन यू नो। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मैं आपको बहुत ही प्यार करता हूँ, और वो आप भी जानते हो, तो दूर क्यों बना रहे हो? ओके, चलिए। कैन यू स्टे विथ मी फॉर एवर? आपके पार्टनर आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे, वो आपको पूछ रहे हैं। डिसीजन उनको लेना है और वो आपको पूछ रहे हैं। मुझे लगता है शायद आप दोनों का अभी बातचीत नहीं चल रही है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगाना बंद कर दिया है, आपने उनको फ़ोन या मैसेज करना बंद कर दिया है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उनको छोड़कर चले गए हो। तो वो आपको पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे साथ हमेशा रहोगे, ओके? हमारे पास कार्ड है यू इक्वल टू ऑसम और मी इक्वल टू लकी। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा अद्भुत इंसान हो और मैं बहुत ही लकी इंसान हूँ कि आप मुझे मिले हो। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइज। इफ़ ओनली देयर वॉज नो डिस्टेंस बिटवीन आई वुड हैव किस यू गुड नाइट। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि ये डिस्टेंस नहीं होता तो मैं हर रात आपको गुड नाइट किस करता, ओके, गुड नाइट किस देता। यू आर एवरीथिंग टू मी। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप मेरे लिए सब कुछ हो।
ग्रेटेस्ट ट्रेजर ऑफ माई लाइफ इज़ योर रिलेशनशिप, आई विल ऑलवेज लव यू। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि हमारी ये रिलेशनशिप खजाने की तरह है और मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको हमेशा प्यार करता रहूँगा। चलिए न्यू कार्ड देखते हैं। ओके, आई हैव फॉल इन लव मैनी टाइम्स ऑलवेज विथ यू। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मैं आपके प्यार में हर बार पड़ना चाहता हूँ। हाउ स्वीट। ओके, फॉर द मोस्ट वंडरफुल गर्ल आई हैव एवर नोन, यू हैव नो आइडिया हाउ ओसम यू आर। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप एक ओसम वंडरफुल गर्ल हो मेरे लिए हमेशा। आपको शायद नो आइडिया, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि आप मेरे लिए कितने खास हो, कितने अद्भुत हो। लविंग यू इज़ अ फुल टाइम जॉब बट आई लव माई कैरियर। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मैं आपको हर रोज़ पूरे दिन प्यार करना चाहता हूँ लेकिन सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस, लेकिन मैं अपने कैरियर को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। यू आर माई पर्सन। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप मेरे ही खास पर्सन हैं। तो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक आया है, प्लीज़ डोंट डाउट माई लव फॉर यू। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि मेरे प्यार पर कभी डाउट मत करना। तो आपके पार्टनर आपको प्यार तो करते हैं, आपने उनके दिल में जगह भी बना दी है, तो मुझे लगता है आपको थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं गाइस। आपको जब मन करे तब आप मैसेज या फ़ोन कर सकते हो, लेकिन आपको खुद से डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आपको अपना एफर्ट डालना बंद करना पड़ेगा, तभी उनको एहसास होगा कि वो आपसे प्यार करने लगे हैं। इतना ही मैं कहूँगी। चलिए देख लेते हैं इनिशियल्स। जी डी बी आर एल ओ यू एन वी एम एच। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल 3 चूज़ की है तो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर को एहसास है कि वो आपको प्यार करते हैं। पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन बताइए। मैं दोनों पाइल में कहना भूल गई पर, लेकिन तीसरे पाइल में आपको बता देती हूँ कि मैं फुल मून की डिटेल में रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो इस रीडिंग का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, फुल मून 2-3 दिन के बाद है। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन बताइए, पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ किए, आपके पार्टनर को पता है कि वो आप प्यार करते हैं, आपके पार्टनर को एहसास है कि वो आपसे प्यार करते हैं। हमारे पास पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप, पेज ऑफ वांड्स, ओके, किंग ऑफ वांड्स। कप की एनर्जी एक ही आई है गाइस, 2 आई है। ओके, 3 कार्ड पेंटिकल के आए हैं और साइन बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ कप और लास्ट में कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल। तो 3 कार्ड अर्थ साइन के आए हैं, 2 कार्ड वाटर साइन के और 2 कार्ड फायर साइन के। ओके, तो आपके पार्टनर को एहसास है कि वो आपको प्यार करते हैं, हमारा सवाल है। तो हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक ये सब कप आया है जो ये कह रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको
वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा थिंक करते हैं कि मैं ये करूँगा तो आप ये सवाल पूछोगे, मैं ये कहूँगा तो आप क्या रिएक्शन दोगे, मैं आपको इस तरह से ये बात कहूँगा तो आप क्या जवाब दोगे। मतलब आपके पार्टनर पूरे दिन हर दिन बस यही सोचते रहते हैं कि मैं आपको क्या सवाल करूँ। बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं और फिर टुस्त हो जाता है सब कुछ और कुछ नहीं कर पाते हैं। आपके पार्टनर इमोशनली बहुत मैच्योर नहीं है, इमोशनल फैसले लेने में मैच्योर नहीं है गाइस। सब कुछ डिसीज़न ले लेंगे, सभी प्रकार के सभी तरह के डिसीज़न लेने में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जब इमोशंस की बात आई वहाँ उनकी गाड़ी रुक जाती है, क्योंकि यहाँ हमारे पास आया है एट ऑफ कप और कॉम्बिनेशन में है टू ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है टेन ऑफ कप, जो ये बता रहा है कि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में किसी को प्यार किया था, वो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वो उनके साथ शादी भी करने वाले थे, उनके साथ उन्होंने फ्यूचर भी देख लिया था, लेकिन वो फुलफिलमेंट नहीं हुआ। इस वजह से अभी वो बहुत ही ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी उनको इतनी स्टेबिलिटी नहीं दे पाऊँगा, उनका ऐसा मानना है। अभी हाल फिलहाल आपके पार्टनर अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन उन्हें ये भी कम लगता है, उनका ऐसा मानना है कि मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा स्ट्रांग होकर आपके पास आना चाहिए। और अभी वो अपने आप को इस तरह से मानते हैं कि मेरे पास अभी इतना ज़्यादा कैपेबल इंसान नहीं बन चुका हूँ, फाइनेंस को लेकर इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाया हूँ। इस वजह से वो अभी यहाँ बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं। और आप भी उनका इंतज़ार कर रही है कि वो कब आएंगे, और मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़ गाइस प्लीज़, तो आप अपने आप में की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पर्सन बन चुके हो और आप उनका इंतज़ार कर रहे हो। आपके पार्टनर थोड़े प्रैक्टिकल भी है, दूसरी पाइल में क्या था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान, इसमें आपके पार्टनर थोड़े कम प्रैक्टिकल है। मतलब वो इमोशंस की भी कदर करते हैं और प्रैक्टिकल इंसान भी है, तो आपकी वो कदर करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन उन्होंने जो पास्ट लाइफ में देखा है, उन्होंने जो पास्ट लाइफ में अपने जीवन में जो एक फेस देखा है, उनकी वजह से उनकी फैमिली को भी बहुत कुछ झेलना पड़ा था। इस वजह से वो इस बार ये सब गलती करना नहीं चाहते हैं। इस वजह से देखो, आप पहला कार्ड हमारे पास आया नाइट ऑफ पेंटिकल, जो ये बता रहा है कि वो आपके लेकर एक स्ट्रांग डिसीज़न लेकर आना चाहते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनकर, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाकर वो आपके सामने आना चाहते हैं, पेश होना चाहते हैं। उन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा स्टेबल इंसान नहीं बना हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा इनका इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो आपके लिए ही सोच रहे हैं और किसी के भी लिए नहीं, यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है। वो आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग एक फैसला लेना चाहते हैं आपको लेकर, और इस तरह से आपको देना चाहते हैं।
और आप दोनों के रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। तो मुझे लगता है कि आपको उनका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि वो आपको ही प्यार करते हैं। लेकिन थोड़े डर गए हैं पास की लाइफ से, तो उससे वो बाहर आ जाएंगे तो वो आपके लेकर एक डिसीज़न ले पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूँ कि आप अभी भी उनके उनके साथ बात कर रहे हैं तो बात करना बंद कीजिए, अपना एफर्ट डालना बंद कीजिए। क्योंकि आप जब उनके साथ बात करना बंद करोगे तभी उनको पता चलेगा कि वो भी आपको प्यार करते हैं। लेकिन इस तरह से तो नहीं पता चलेगा। बार बार आप फ़ोन या मैसेज करते रहोगे तब तक कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको, और वो आपको लेकर कुछ सोचे भी नहीं। हाँ, वो आपको प्यार करते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, वो सही बात है। लेकिन हम जब तक दूर नहीं होते हैं तब तक किसी को एहसास नहीं होता है कि हम उनके लिए खास हैं। चलिए देख लेते हैं मैसेज के थ्रू कि वो आपको मैसेज के ज़रिए क्या कहना चाहते हैं। चलिए, हमारे पास पहला कार्ड आया है, आई किस यू, आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट। वो दिल से आपको प्यार करते हैं। यू आर माई वन एंड ओनली। आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आप ही सिर्फ मेरे खास हो। इट्स अ फैक्ट, आई प्ले विथ वर्ड्स बट नॉट विथ माई हार्ट, सो प्लीज़ बिलीव मी व्हेन आई से आई लव यू बिकॉज आई रियली डू। मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान मत दे, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ दिल से। आई मे नॉट बी ऑलवेज देयर विथ यू बट आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, यकीन रखिए मुझ पर, मैं आपके साथ हूँ। टू मी यू आर परफेक्ट, मेरे लिए आप परफेक्ट हो। आई एम स्टक, मैंने बताया वो स्टक फील कर रहे हैं, कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे। यू आर माई लव, माई पैशन, माई प्राइड, आई ऑलवेज वॉन्ट यू माई साइड। तो आप उनके पैशन हो, प्राइड हो, और वो अपनी साइड हमेशा आपको चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनिशियल से कि वो आप एट एच पी एम सेवन फाइव यू वी बी एल। तो ये आपके इनिशियल से। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।